नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 26 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। IBPS RRB क्लर्क PO पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान इच्छुक उम्मीदवारों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट और ग्रुप ए ऑफिसर के 9600 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका देने का फैसला किया है। जुलाई महीने में ग्रुप ए ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट की 9600 से ज्यादा भर्तियां निकाली गई थी। इसमें ऑफिस असिस्टेंट की 4600 से ज्यादा वैकेंसी है। अब IBPS इन पदों के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोलने जा रही है। आधिकारिक वेबसाइट IBPS.IN पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और उम्मीदवार IBPS के आधिकारिक वेबसाइट IBPS.IN पर जाकर 9 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। IBPS नोटिफिकेशन में कहा है कि 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच वह लोग आवेदन कर सकते हैं जो 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। राजधानी पटना के पर्यटन स्थल में गोलघर में देखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ खास। गोलघर भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित एक बड़ा ग्रैनरी है। इसके आधार पर एक समकालीन शिलालेख के अनुसार पटना में गोलघर को विशाल अनाज भंडार की एक श्रृंखला का पहला उद्देश्य माना जाता था। हालांकि अंत में कोई भी अन्य कभी नहीं यहाँ पर बनाया गया था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल बोरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1784 में आदेश दिया गया था कि इन प्रांतों में अकाल की रोकथाम के लिए अन्न भंडार एक सामान्य योजना का हिस्सा था। मधुमक्खी के आकार की संरचना को बंगाल इंजीनियर्स के कप्तान जॉन गार्सटन द्वारा डिजाइन किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना का हिस्सा था। इसका निर्माण 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ था। BPSSC ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक 29 नवंबर से 17 जनवरी 2021 के बीच परीक्षाओं के तारीख घोषित की गई है। जिसमें बताया गया है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल एक्स सर्विसमैन के मुख्य परीक्षा 29 नवंबर यानी कि रविवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए बिहार के 9 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें 50,000 से अधिक परीक्षार्थी भाग लेने वाले हैं। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से दरोगा भर्ती परीक्षा को दो बार आगे बढ़ाया जा चुका है। वहीं बिहार पुलिस SI इन्फोर्समेंट, SI स्टेनो, ASI रेंज ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं 29 नवंबर से 17 जनवरी 2021 के बीच आयोजित करवाई जाएगी, जो कि www.bpssc.bis.nic पर जाकर भर्ती परीक्षाओं की जानकारी ले सकते हैं। 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 3738 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। वहीं पहले चरण के चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसी को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के 78 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 41 उम्मीदवार नामांकन वापस ले चुके हैं, जिसके बाद 1208 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बिहार में तीसरे चरण के लिए 1411 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से 162 कर दिया गया, जबकि जांच में 1249 वैध पाए गए। इसके साथ ही पहले चरण में 16 जिले में 78 सीटों के लिए कुल मिलाकर 166, वहीं दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों के लिए 1464 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इस तरह विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों के लिए कुल मिलाकर 3738 प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा तीसरे चरण के साथ होने वाले वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव को लेकर 7 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, किसी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इसके लिए सभी उम्मीदवार मैदान में है। तीसरे चरण के विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान होने और 10 नवंबर को वोट की गणना होगी। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,12,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 749 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,12,192 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 16, अरवल में 6, औरंगाबाद में 19, भोजपुर में 12, बांका में 8, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 25, बक्सर में 5, दरभंगा में 8, पूर्वी चंपारण में 30, गया में 12, गोपालगंज में 7, जमुई में 8, जहानाबाद में 24, कटिहार में 22, खगड़िया में 5, किशनगंज में 18, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 13, मुंगेर में 21, मुजफ्फरपुर में 60, नालंदा में 38, नवादा में 15, पटना में 238, पूर्णिया में 25, रोहतास में 9, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 6, सारण में 11, शेखपुरा में 7, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 10, सिवान में 4, सुपौल में 5, वैशाली में 12, पश्चिम चंपारण में 9 मामले सामने आए हैं।
आज थम जाएगा पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण में बस कुछ ही दिन दूर है, वहीं चुनाव प्रचार का शोर आज थमने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम तक 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए 71 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएंगे। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड-19 में हो रहे चुनाव में इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा निर्देश पालन करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, यह भी साफ कहा गया है कि इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार चुनाव का आयोजन करवाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोगों के मन में भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव पर आयोग की है पैनी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोरोना के माहौल में वोटिंग के मुकम्मल व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि आयोग चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन पर पैनी नजर रख रहा है। चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के लिए आयोग ने बड़े पैमाने पर कदम भी उठाया है। आयोग ने स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव की तैयारी पर खासा जोर दिया है। डिजिटल माहौल में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने मतदाताओं के लिए खास इंतजाम भी किया है। मतदाताओं के लिए स्टेट कॉल सेंटर की स्थापना भी कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कोई भी मतदाता 1800-345-1950 पर कॉल कर जरूरी जानकारियां हासिल कर सकता है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कलानाथ मिश्र की। कलानाथ मिश्र का जन्म 19 दिसंबर 1959 को बिहार में हुआ था। मिश्र एक हिंदी लेखक है। उनके लेखन में हिंदी साहित्य की कई विधाएं शामिल है, जिनमें कविता के साथ साथ कहानी, लघु कथा, समीक्षा और रिपोर्ट शामिल है। मिश्रा ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए के बाद उन्होंने एलएन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना से एमबीए किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिहार के एक दैनिक हिंदी समाचार पत्र पाटलिपुत्र टाइम से की थी। उन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1990 में मिश्रा ने नौकरी छोड़ दी और वर्तमान समय में उनके लेख विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। पलायन के साथ छात्र हर साल बिहार से बाहर ले जा रहे 500 करोड़ रुपए। पलायन वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या है और बिहार के छात्र हर साल भारी मात्रा में पलायन करने पर मजबूर रहते हैं। बिहार की प्रतिभा का उच्च शिक्षा प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए पलायन का हर दिन बदिन घटने की बजाय बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। कोटा, दिल्ली के साथ साथ अब हैदराबाद भी अब बिहारी छात्र पहुंचने लगे हैं। बिहारी प्रतिभा के पलायन पर अध्ययन करने वाले आईआईटी मुंबई के पूर्ववर्ती छात्र मनीष शंकर ने बताया कि हर साल 60 से 80 हजार छात्र राज्य अपना शहर और घर परिवार छोड़कर कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में पलायन करते हैं। इन शहरों में रहने और खाने पर प्रति छात्र औसतन 15,000 रुपए प्रत्येक महीने खर्च आता है, जबकि फीस के तौर पर इतनी ही राशि उन्हें कोचिंग संस्थानों को देनी होती है। जेईई की तैयारी करने वालों की पहली पसंद कोटा है। यहाँ लगभग 40,000 बिहारी छात्र रहते हैं। प्रदेश में बहने लगी पछुआ हवा, लोगों को हो रहा है ठंड का एहसास। मौसम में बदलाव होने के बाद प्रदेश में पछुआ हवा की गति धीरे धीरे तेज होने लगी है। इसके साथ ही प्रदेश के तापमान में गिरावट आने के संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून पहले ही लौट चुका है। ऐसे में पछुआ की गति तेज होने से ठंड में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। पारा गिरने के साथ ही राजधानी की हवा में नमी 80% तक पहुंच गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार की माने तो प्रदेश में पछुआ हवा का बहना शुरू हो गया है। पछुआ हवा के कारण ही प्रदेश में ठंड का प्रवेश होता है। कुछ बनाने के साथ ही तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद राजधानी की हवा में भी नमी देखने को मिली है। काफी दिनों के बाद राजधानी की हवा में 80% नमी दर्ज की गई है। राजद ने पूर्व मंत्री समेत 22 नेताओं को पार्टी से किया बाहर। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसी क्रम में राजद ने अब पार्टी के 22 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीते दिन इन नेताओं के ऊपर सख्ती दिखाते हुए पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर इनके ऊपर सख्ती से पेश आया जाएगा। बक्सर, बांका और पश्चिम चंपारण के जिला अध्यक्षों के अनुशंसा के आधार पर इन नेताओं को राजद से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बक्सर जिले के 8, पश्चिम चंपारण जिले के 8 और बांका जिले के 6 नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। इन सभी के खिलाफ पार्टी के विरोध में काम करने का आरोप है, जिसकी आधिकारिक सूचना पार्टी कार्यालय की तरफ से साझा की गई है। चिराग पासवान की सभा में चिराग का दिखा भाजपा प्रेम। चिराग पासवान कई बार भाजपा को लेकर अपना बयान दे चुके हैं, जहां उन्होंने भाजपा के साथ होने का कई बार दावा किया है। हालांकि भाजपा और लोजपा के सोच वर्तमान समय में मिलते नहीं देखे जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर से लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का भाजपा प्रेम देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन दिनारा में चिराग के चुनावी सभा के दौरान पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान मंच पर मौजूद थे। सभा में शामिल उनके कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लहरा रहे थे और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यहां से भाजपा के कद्दावर नेता रहे राजेंद्र सिंह लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस विधानसभा सीट से चुनावी सभा के दौरान चिराग
की सभा में भाजपा का झंडा देखने को मिला, जिसका वीडियो चिराग पासवान ने खुद शेयर किया। हालांकि दोनों जगह जनसभाओं का संबोधन करते हुए चिराग पासवान ने भाजपा का नाम नहीं लिया, मगर मौजूदा जनसभा में भाजपा का झंडा जरूर देखने को मिला। नीतीश के मंत्री का दिखा भारी विरोध। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 28 तारीख को होने वाला है। इन सबके बीच इस बार पब्लिक उन नेताओं को खूब खरी खोटी सुना रही है जो वोट लेने आते हैं लेकिन क्षेत्र में कोई काम नहीं करते हैं। अब तक दर्जनों विधायकों के विरोध की खबर भी आ चुकी है। इस बार बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा कैंडिडेट प्रमोद कुमार पब्लिक के फेरे में फंस गए। वो लगातार 3 बार से मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है लेकिन इस बार उन्हें भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार उन पर यह आरोप है कि प्रमोद कुमार बहलाकर वोट ले लेते हैं मगर इन लोगों के इलाके में झांकी मारने भी नहीं आते हैं। मोतिहारी के भाजपा मिलवा प्रमोद कुमार जो क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंचे लेकिन युवकों ने उन्हें घेर लिया और जबरन सड़क को दिखाने ले गए जहां सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। सूर्या ने तेजस्वी यादव को कसा तंज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार आज थम जाएंगे। वहीं उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से खूब बयानबाजी करते भी दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राजद और तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के चुनावी घोषणा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए इस तरह की बयानबाजी किए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से झूठे हैं। सांसद तेजस्वी सूर्या ने डेहरी विधानसभा क्षेत्र के जमुहार में प्रेस वार्ता करते कहा कि जिन लोगों को पहले काम करने का मौका मिला तो कांड करने में लग गए और अब राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं जो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए झूठे वादे किए जा रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने जीवन काल में एक दिन का भी ईमानदारी पूर्वक रोजगार कर कुछ नहीं कमाया हो उसे रोजगार पर बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। गया में शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव को बताया चुनौती की घड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार थमने के पहले सभी दल ताबड़तोड़ रैलियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। गया शहर के गांधी मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। क्षेत्र में सिन्हा ने कहा कि गया उनका पैतृक गांव है, यहां उनके परिवार के लोगों के बीच बात करने आए हैं। उन्होंने कहा कि अपने परिवार से यहां कुछ मांगने आया हूं, आप सभी एक एक वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दे। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव नहीं चुनौती की घड़ी है। वर्तमान सरकार ने बिहार के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। बिहार का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि यहां के किसानों की आय पंजाब के किसान की आय से 4 गुने कम है और यह सिर्फ विफल सरकार के कारण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनने पर 15 साल पहले वाले हालात आने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मतदाताओं को 15 साल पहले ले जाने की बात लगातार दोहराते आए हैं। वहीं बीते दिन एक बार फिर से उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने के बाद खासकर राजद को निशाने पर लेते हुए 15 साल पहले के माहौल के दोबारा से दोहराए जाने की बात कही है। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्हें तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ना उन्हें काम करने का अनुभव है और ना ही कोई तरीका पता है। यही महागठबंधन की सरकार बनती है तो 15 साल पहले जैसे हालात बिहार में एक बार फिर से बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में मेरी तरफ से उठाए गए कई कदम का कई लोगों को चोट है। यही लोग मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि किसी भी तरह नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं आने देना है। ओवैसी ने विधानसभा चुनाव में एनआरसी और सीएए का मुद्दा फिर उठाया। एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरह से काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था। वहीं अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने फिर से एनआरसी और सीएए का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। बीते दिन शेखपुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने एनआरसी और सीएए पर राजद और नीतीश कुमार दोनों को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि केंद्र सरकार ने दोनों को लागू करने की बात कही है मगर इस मुद्दे पर राजद अपनी जुबान बंद रखे हुए हैं और नीतीश कुमार लोगों के समक्ष गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इसके पहले ओवैसी ने बक्सर और अरवल में भी कई सभाओं का आयोजन करवाया था और इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों और दलितों के लिए सिरदर्द नहीं है बल्कि इससे 50% अधिक हिंदुस्तानी प्रभावित होंगे। इसका उदाहरण असम है। तेजस्वी की सभा में बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने चलाई लाठी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिले में तेजस्वी यादव ने बीते दिन जनसभा का संबोधन किया जहां पर अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई जिसके बाद भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चला दी। इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि बाद में भीड़ के नियंत्रित होने के बाद कार्यक्रम पूरा हो सका। विजयदशमी पर रविवार को आयोजित इस सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा जहां पर उन्होंने कहा कि विजयदशमी के मौके पर आप सभी संकल्प लेके नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार रूपी
रावण को समाप्त करने के लिए आप सभी महागठबंधन को वोट करें। उन्होंने कहा कि नीतीश जी 15 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 15 साल में उन्होंने नौजवान, किसान और बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया, बावजूद 5 साल और मांग रहे हैं। जाप सुप्रीमो ने प्रचार का अपनाया अनोखा तरीका। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। पार्टी के नेताओं का प्रचार का अजीबोगरीब तरीका भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में नालंदा से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने ट्रैक्टर पर बैठकर रोड शो किया, तो वहीं बीते दिन नालंदा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार के रोड शो में शामिल होने के लिए पप्पू यादव नूरसराय पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद वो बाइक पर सवार होकर उन्होंने रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल में लालू और नीतीश की सरकार ने राज्य को खोखला करने का काम किया है। बेरोजगारी चरम पर है, आम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हर तरफ भ्रष्टाचार है, किसी भी सरकारी कार्यालय में काम के लिए नाजायज राशि देनी पड़ती है। बाढ़ की विभीषिका हो या लॉकडाउन के दौरान गरीबों की हालत, सरकार उन्हें पूछने तक नहीं गई है। अब जब चुनाव है तो हर कोई वादा कर रहा है। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है, जिससे लोजपा ने अपने कदम एनडीए की तरफ से खींचे हैं, तब से राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। जहां एक तरफ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान आए दिन अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान करार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बोल कुछ और ही है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में 2/3 बहुमत से एक बार फिर से एनडीए को जीत मिलेगी। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में भी इस जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लोजपा चाहे कुछ भी कहे, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने वाले हैं। एक खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में भाजपा की ज्यादा सीटें आती हैं, तभी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम ईमानदारी से जो कहते हैं वो निभाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। बीते दिन किए गए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और साथ ही लोगों से शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का संकल्प लेने की भी अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश के वीर जवानों के लिए घर में एक दिया जलाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिकों के लिए घर में एक दिया जलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी को लेकर भी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि खादी की लोकप्रियता तो बढ़ रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मोहम्मद सिराज ने की महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ। आरसीबी के उभरते गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तारीफ हर तरफ हो रही है। मोहम्मद सिराज ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो गेंदबाजी की थी, उसके बाद ही चर्चा में लगातार बने हुए हैं। हालांकि पिछले सीजन में अपनी गेंदबाजी के लिए सिराज कई बार आलोचकों के निशाने पर भी आए थे, लेकिन इस सीजन में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए आलोचकों को अपने खेल से जवाब दिया है। सिराज ने बताया है कि किस तरह से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें आलोचकों का सामना करना सिखाया। माही भाई हमेशा सलाह देते आए हैं कि कभी किसी की राय को गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। एक खराब मैच और वो दावा करेंगे कि तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, अगर तुम उसके बारे में सोचते रहोगे तो पागल हो जाओगे। फोकस हमेशा अच्छे मैच पर होना चाहिए, यही लोग अच्छी गेंदबाजी करने पर तुम्हारी तारीफ करेंगे। दशहरे के मौके पर कंगना रनौत ने साधा संजय राउत पर निशाना। दशहरे के मौके पर बीते दिन कंगना रनौत एक बार फिर से संजय राउत के खिलाफ निशाना साधते नजर आए। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा टूटा हुआ सपना आपके चेहरे पर हंस रहा है। संजय राउत, पप्पू सेना मेरा घर तोड़ सकती है लेकिन मेरा साहस नहीं। बंगला नंबर 5 आज बुराई पर अच्छाई की जीत मना रहा है। कंगना ने इस जीत के साथ 2 फोटो शेयर की, जिसमें से एक फोटो में उनके बंगले के गेट के बाहर की फोटो देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में भगवान की एक मूर्ति की फोटो है। पिछले महीने बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए कंगना के मुंबई के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन तब तक बीएमसी ने कंगना के बंगले के ज्यादातर हिस्सों को तोड़ दिया था। तभी से कंगना रनौत और संजय रावत एक दूसरे के आमने सामने हैं। व्हाट्सएप चलाने के लिए देने होंगे अब पैसे। भारत जैसे देश में व्हाट्सएप का इस्तेमाल अभी पूरी तरीके से मुफ्त देखने को मिल रहा है। हालांकि जल्द ही व्हाट्सएप के कुछ चुनिंदा यूजर से ऐप इस्तेमाल के लिए चार्ज वसूला जा सकता है। दरअसल व्हाट्सएप जल्द ही अपना एक नया फीचर रोल करने जा रहा है। इसे व्हाट्सएप बिजनेस के नाम से जाना जाएगा। यह पूरी तरह से कमर्शियल सर्विस होगी। इसी कमर्शियल सर्विस व्हाट्सएप बिजनेस के लिए कंपनी की तरफ से चार्ज वसूलने का ऐलान किया गया है। बाकी कस्टमर के लिए व्हाट्सएप पहले ही तरह मुफ्त रहेगा। हालांकि फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप की तरफ से किसी भी तरह की प्राइसिंग का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है कि आखिर कमर्शियल यूज के लिए व्हाट्सएप कितने चार्ज करेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के ख्याते भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,050 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,050 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.1 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है
उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलू कुमार, प्रिंस राज, नीतीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण सिंह, नंदकिशोर यादव, हरेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, रविन्द्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल, अंजलि मेहता, सुबोध कुमार, भूपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी चुनाव में युवा वोटर चुनावी परिणाम पर असर डाल सकते हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।